घर घर भक्तांबर। पंचम काल कलयुग का काल है, भक्तों की साधना का काल है। पंचम काल में भगवान तो नहीं आएंगे, लेकिन भक्तों की भक्ति काम आएगी। आज जितना भी इतिहास देखा जा रहा है, भक्त प्रधान इतिहास हमारे सामने देखने को प्राप्त हो रहा है। आज हम आचार्य मानतुंग स्वामी की बात करें, उन्होंने भक्ति की। समर्थभद्र स्वामी की बात करें, उन्होंने भक्ति की। जिनसेन आचार्य, रविशरण आचार्य, कुंत कुंद स्वामी, पुष्पदंत भूतबलि, जितने भी जैनाचार्य हुए हैं, सभी ने भक्ति करके अपने जीवन को अमर बनाया है, अपनी आत्मा का कल्याण किया है। हिंदू संप्रदाय में भी आज भक्तों को ही याद किया जा रहा है, जैसे साईं, रैदास, कबीरदास, तुलसीदास, तुकाराम, संत गाड़गे, उन्हें याद किया जाता है। मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर मोहम्मद, सिख संप्रदाय में गुरु नानक, ईसाई संप्रदाय में जीसस, और पंचम काल में आपके सामने याद किया जाता है आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु। हम सभी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। स्तुति करके, भक्ति करके, प्रभु की भक्ति में तल्लीन होकर के अपने कर्मों की निद्रा की भावना बनाते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी इस बात के साक्षी हुए, जो उन्होंने इसी पंचम काल में कारागृह में कैद होकर के, जहां भगवान नहीं थे, जहां सिर्फ भक्ति थी, ऐसी भक्ति की, ऐसे तल्लीन हुए, उस तल्लीनता में इतने लीन होते चले गए, उन्हें पता नहीं चला कि मैं कारागृह में बैठा हूँ या किसी जिनालय में बैठा हूँ। बस ध्यान में लीन होते होते सबसे पहले उन्होंने भक्त का नाम लिया, भगवान का नाम नहीं लिया। भक्त के लिए, भक्त को अमर होने का उपाय बताया कि हे भक्त, इस संसार में यदि कुछ पाना है तो सबसे पहले झुकना सीखो। जो पेड़ झुकते हैं वही ज़्यादा समय तक एक जगह खड़े रह पाते हैं। अब झुकना कैसे, वो बात आचार्य मानतुंग स्वामी पहले नंबर काव्य के माध्यम से आपको बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम कभी कोई काम शुभारंभ करें, सबसे पहले विनय भाव रखिए। विनयो मोक्षद्वार, विनय ही मोक्ष का द्वार है। बिना विनय के धर्म तो नहीं मिल सकता है। धर्म तक पहुंचने के लिए सबसे पहले विनय करना पड़ेगी। जब कभी बच्चा इस धरती पे पैदा होता है तो पहले रोता है, 9 महीने तक झुका रहता है, सिर नीचा रहता है, पैर ऊपर रहते हैं। विनय के साथ वह 9 महीने तक जब माँ के गर्भ में रहता है, तभी जाकर के वह बालक इस संसार को देख पाता है। झुका रहता है, पैदा होने के बाद भी दोनों हाथों के सहारे चलता है, वहाँ पर भी झुकना है। और धीरे धीरे जब वह विनय से तल्लीन हो जाता है, तब जाकर के वह बेटा खड़ा हो जाता है। वो खड़ा होने के बाद जो बच्चे अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, उन्हें दुनिया की कोई नकारात्मक ऊर्जा छू नहीं सकती। उन्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जन्मदाता माता पिता के सामने झुक चुके हैं। और जब कभी जीवन में संकट आते हैं, तब हम अपने अंदर उस परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाते हैं, जो मीरा ने की, जो मानतुंग आचार्य ने की। बस उसी भक्ति के साथ हम अपने आप को जोड़ते चले जाएं। तो यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी अपने भाव यहाँ रखते हुए कहना चाहते हैं कि पंचम काल कलयुग का काल है। इस कलयुग के काल में हमें भक्तामर की महिमा को गाना है,
भक्त को अमर बनाने का उपाय बताना है, भक्त को भक्ति से जोड़ना है। व्यक्ति जब परेशान होता है तो वह सबसे पहले गलत रास्ते को चुनता है। कोई अपघात मरण के बारे में सोचता है कि मुझे अब नहीं जीना है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, कहीं से समाधान का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। वह व्यक्ति इतना उदास हो जाता है, जीने की आशा छोड़ देता है। तब यहाँ पर कहा जाता है कि जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाए, अपने आप को बंधन में कैद पाए, उस समय एक बार मानतुंग स्वामी को याद कर लेना, भक्तामर की आराधना को आत्मसात करते चले जाना, नियम से वह इस संसार की परेशानियों से मुक्त हो सकता है। लेकिन इसके साथ अंदर की भक्ति भी चाहिए। लोग भक्तामर का पाठ तो करते हैं, जवान से करते हैं। मैं चाहता हूँ जवान से नहीं, जवान होके करो। जवान होके करेंगे तो यह काव्य आपके जीवन में उतर जाएगा। सिर्फ हमें इस काव्य को जीवन में उतारना है, किसी को सुनाना नहीं है। हम सुना सुना करके बताते हैं कि मेरे यहाँ भक्तामर का पाठ हुआ है, मुझे भक्तामर आता है। कई माताएं हमारे पास छोटे छोटे बच्चों को लेके आती हैं, कहती महाराज ये आपको भक्तामर सुनाएगा। मैंने कहा मुझे तो खुद आता है, मैं उसका क्यों सुनूं? अरे भक्तामर सुनाने की चीज़ नहीं है, भक्तामर महसूस करने की चीज़ है, स्वयं के अंदर आत्मसात करने की चीज़ है, स्वयं को पहचानने की वस्तु है। तो जब स्वयं को हम पहचान लेते हैं तो वह आदिनाथ की शक्ति, आदिनाथ का पावर आपके भीतर उतर सकता है और आप स्वयं पावरफुल हो सकते हो। याद रखना, आपका मोबाइल कब चलता है? जब वो चार्ज होता है। बिना चार्ज के मोबाइल चलेगा? मोबाइल कितना भी अच्छा हो, आपको पहले चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज हुआ मोबाइल 12 से 24 घंटे काम करता है। तो जब हम प्रातःकाल भगवान की भक्ति करते हैं, हम चार्ज हो जाते हैं, इतने चार्ज हो जाते हैं कि 24 घंटे वह शक्ति हमारे साथ रह करके हमारे सारे कार्य को पूरा करती है। लोग कहते हैं कि मैंने काम पूरा किया है, ये आपकी भूल है। जहाँ मैंने शब्द आ गया वहाँ पर अहंकार पैदा हो जाता है, और जहाँ अहंकार पैदा होता है वहाँ कभी जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता। इसलिए मानतुंग आचार्य इस काव्य में, पहले काव्य के माध्यम से आपको बताएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको इसकी पूरी तैयारी कर रहा हूँ कि इस भक्तामर की साधना से आपको संसार के साधन कैसे प्राप्त होंगे, कैसे आप अपने जीवन को सुखी बना पाओगे, कैसे आप कष्टों से छुटकारा पाओगे, वो विधि आपको बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पंचम काल है, इस काल को दोष मत देना, सिर्फ अपने कर्मों को दोष देना। उस कर्मों की निर्जरा के लिए बस सिर्फ प्रातःकाल आप 4:30 बजे बिस्तर को छोड़ करके पूरे मनोभाव के साथ जो जो आपको तकलीफ है उस तकलीफ को याद ही मत करो। कभी मत कहो मैं शारीरिक कष्ट से पीड़ित हूँ, मैं व्यापार से परेशान हूँ, पढ़ाई से परेशान हूँ, नौकरी नहीं लग रही है। बिल्कुल याद मत करना, बी पॉजिटिव। इस संसार में मेरे पास सब कुछ है और मैं भगवान की भक्ति से सब कुछ पा सकता हूँ, सारे कार्य को सिद्ध कर सकता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, जब बच्चा माँ के साथ रहता है तो बच्चे को कोई टेंशन होता है क्या? बिल्कुल निडर निष्फिकर हो जाता है। वो बाजार में भी जाएगा, कोई भी चीज़ उठा के ला के रख लेगा, दुकानदार भी कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? बच्चा टेंशन फ्री क्यों है? क्योंकि बच्चे के साथ माँ खड़ी है। दुकानदार को मालूम है कि बच्चा जो कुछ भी ले रहा है उसका पैसा तो माँ देगी ही। ऐसी ही सोच अपने अंदर रखो। अरे जब बच्चा माँ के साथ रह के निडर हो जाता है, निष्फिकर हो जाता है, तो क्यों ना हम भक्तामर के साथ रह के निष्फिकर निडर क्यों नहीं हो जाते?
क्यों विकल्प के साथ बैठ के भक्तावर पाठ कर रहे हैं, हे भगवान मेरी दुकान चालू हो जाए, भक्ता हमारा प्रणत मौली मणि प्रभाना, हे भगवान मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाए, ऐसा क्यों बोलें कि मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाए, मेरी दुकान चालू हो जाए, मेरे नंबर अच्छे आ जाएँ। बस प्रभु को याद करते रहो, यही प्रेयर करो, यही प्रार्थना करो, हे परमपिता परमात्मा आपने तो मुझे अपने परिवार में पैदा किया है, और कोई आपके परिवार में दुखी कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाँ जब आप पैदा हुए वहाँ पर तो कोई जीव दुखी नहीं रहा, सभी जीवों को आपने सुखी कर दिया। मैं भी इस पंचम काल में आपके परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत दुखी कैसे कर सकती है, मैं तो सुखी था, सुखी हूँ और आगे भी सुखी ही रहूँगा। ऐसी भावना के साथ यदि हम सुबह प्रातःकाल भक्तामर का पाठ करते हैं, उसमें एक अलग अलग नियम होते हैं। यदि आप एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, बुद्धि के विकास के लिए आराधना करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप पूर्व दिशा को चुनिए, पूर्व दिशा में बैठ करके आत्म साधना कीजिए, पूरी प्रेयर के साथ ऐसे दोनों हाथों को फैला करके प्रेयर कीजिए। प्रेयर में आपको सिर्फ आदिनाथ भगवान को याद करते हुए, उनकी ऊर्जा को महसूस करते हुए, गहरी सांस लेते हुए, बिल्कुल बड़ी आत्मीयता के साथ, चेहरे पर मुस्कुराहट, आदिनाथ भगवान की उस ऊर्जा को आत्मसात कीजिए। देखिए चारों तरफ मेरे आदिनाथ भगवान की ऊर्जा एनर्जी घूम रही है, जो मेरे अंदर की एनर्जी से कनेक्ट होती जा रही है और मुझे चार्ज करती जा रही है। उसके साथ साथ मानतुंग आचार्य को याद करते रहें कि इस पंचम काल में आचार्य मानतुंग स्वामी की उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से एक एक ताले अपने आप टूटते चले जाते हैं। मैं भी उस आचार्य मानतुंग स्वामी के प्रति समर्पित होकर के उस एनर्जी को आत्मसात कर रहा हूँ, भक्तामर के 48 काव्य की एनर्जी को आत्मसात कर रहा हूँ। मैं स्वयं अपने अंदर की शक्ति को उस परम शक्ति से जोड़ रहा हूँ। ऐसे विचार करते हुए, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, चारों तरफ धीरे धीरे इस प्रकार से, जैसे कोई सामान इकट्ठा करते हैं, उसको धीरे धीरे आप ऐसे इकट्ठे करते जाइए और महसूस कीजिए यहाँ से सब कुछ इकट्ठा होकर के चारों तरफ स्टॉक हो गया है, अब चारों तरफ फैल रहा है, इसे महसूस करते जाइए। और इस भक्ति के रिदम के साथ, आत्मीयता के साथ इस रिदम को अपने आत्मसात करते हुए यही प्रभु से प्रार्थना करें। यही धुन हमें आपकी धुन में तल्लीन रख सकती है। यह प्रयोग आप करते रहें पूरी आत्मीयता के साथ, फिर पद्मासन लगा करके और उस एनर्जी को आत्मसात करते रहें। जहां आप बिंदी लगाते हैं उस पॉइंट पर आप गहरी श्वास लेकर के श्वास को रोकिए। जब श्वास को रोकेंगे धीरे धीरे यहाँ पर भारीपन लगेगा, कानों से साएं साएं की आवाज़ आएगी, सहस्रार चक्र आपके सिर पर हल्का सा वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके कंठ में भी शीतलता का अनुभव होगा, आपके हृदय में भी धीरे धीरे धड़कन बढ़ती चली जाएगी। एकदम ऐसा लगेगा जैसे हमारा पूरा शरीर हल्का हो चुका है। जब हल्का हो चुका है, ऐसी भावना आपके अंदर पैदा हो रही है, इसका मतलब उस ब्रह्मांड की ऊर्जा ने आपको अपने हाथों में ले लिया है। ऐसी परम ऊर्जा, परम शक्ति जो आप सभी के पास है, इसे आप एक बार आत्मसात करते जाइए, उस परम शक्ति को अपने अंदर महसूस करते जाइए। यह प्रयोग मैं आपको सिखाऊंगा भक्तामर हीलिंग के साथ, फीलिंग कराऊंगा आपको, जो जो भी कष्ट हैं, जिसका समाधान आज तक कहीं नहीं मिला, उसका समाधान भक्तामर के माध्यम से होगा। जीवन में जब हम दुखी होते हैं डॉक्टर को तलाशते हैं, आप घबराए नहीं, जैन धर्म में तो 24 डॉक्टर हैं, संत डॉक्टर हैं, सब कुछ हमारे पास संग्रह के रूप में मिली है, हम उसे आत्मसात क्यों नहीं करें। यदि आप उसे आत्मसात करोगे तो आप अपने आत्मा को साथ रख के अपने गति को सुधार पाओगे। तो यह है परम शक्तिशाली ऊर्जावान भक्तांबर स्तोत्र है, इसलिए तो मैंने आपसे कहा घर घर भक्तांबर,
हर घर भक्तांबर। इस भक्तांबर काव्य को अपने अंदर उतारते जाइए। जब अपने अंदर उतारते जाओगे तो ये भक्तांबर आपके भीतर धीरे धीरे उतरता चला जाएगा। तो फिर आप उस मानतुंग स्वामी की एनर्जी को आत्मसात कर पाओगे। आपने कभी सोचा 48 एक काव्य क्यों है, 49 क्यों नहीं है, 50 क्यों नहीं है, 51-52 क्यों नहीं है, 44 क्यों नहीं है, 48 ही क्यों है? ये बहुत बड़ी लॉजिक की बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ लॉजिक है वहीं मैजिक है। तो वो बात आज आप पहली बार सुनेंगे। 48 काव्य क्यों? इसलिए 48 काव्य हर जैन संत कम से कम 48 मिनट की सामायिक करता है, जिसे 2 घड़ी कहते हैं। 48 मिनट की सामायिक आचार्य मानतुंग स्वामी ने कारागृह में की होगी, ध्यान लगाया होगा, और जैसे ही सामायिक मुद्रा में बैठ करके आत्म ध्यान चिंतन मनन करते हुए आदिनाथ प्रभु की शक्ति को जिन्होंने आत्मसात किया है, और आत्मसात करते करते जैसे जैसे एक काव्य पढ़ते चले गए, 1 मिनट हुआ एक ताला टूट गया, दूसरा काव्य पढ़ा, 2 मिनट हुआ दूसरा ताला टूट गया, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, मिनट आगे बढ़ते चले गए और ताले अपने आप टूटते चले गए। और जैसे ही 48 मिनट पूरे हुए, आचार्य मानतुंग स्वामी की सामायिक पूरी हो गई और वह कारागृह के बाहर निकले। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे भक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ इस भक्तामा को आप अपने जीवन का एक अंग मान लें। इस भक्तामर को आप अपना सच्चा साथी मान लें, जो आपके साथ सदा सदा रहे, आपके जीवन से मुलाकात करे, आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करे। यही तो मेरी भावना है, इसलिए मैंने लिखा है, भक्तामर की महिमा हम जग को बताएंगे, खुद लिखेंगे भक्तांबर जन जन से लिखाएंगे, खुद लिखेंगे भक्तांबर जन जन से लिखाएंगे। तो यह भक्तांबर लेखन अभियान में आपको जुड़ना है। जो चाहते हैं कि हर भाव में भक्तांबर मेरे साथ रहे, तो बस उठाइए कलम और अभी इसी वक्त जो वस्त्र आपके पास आए, बड़े शुद्ध भाव के साथ, मनोयोग के साथ आप भक्तांबर लिखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और दिशाओं के साथ कैसे भक्तांबर पढ़ना है वो भी हम आपको बताते जाएंगे। मैं यही चाहता हूँ, जो आज पूरे दुनिया के अंदर, सारे देश और विदेश के अंदर भक्तांबर की जो गंगा बह रही है, बस उस गंगा में आप भी स्नान करके अपने तन मन इस आत्मा को आत्मसात कर सकें। यही भावना के साथ आप सभी भक्तांबर भक्तों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद।